नमस्कार पिलामाने, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज क्लास रहिबो पिलामाने आपण मानकर समस्त जोटा कि ओएसएससी एटी रो क्रैश कोर्स क्लास रहिबो। ये क्लास नंबर थ्री रहिबो, सिलेबस वाइज डिस्कशन ये तीन नंबर क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग ऊपर हमर डिस्कशन चली। तो एक नंबर आउ दुई नंबर क्लास ऑलरेडी अपलोड हो फर्स्ट क्लास में आपंक जमी का सिलेबस वाइज डिस्कशन रही है। तो ये रहिबो सिलेबस वाइज डिस्कशन सहित आपण मानकर जोटा कि क्लास मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग आरंभ करी। तो ये तीन नंबर क्लास और लास्ट क्लास अफ द आपंकर इंजीनियरिंग ड्राइंग रही है। जमीक आप सिलेबस से जहाँ जहाँ मेनशन थी समस्त डिस्कसन मुझे सहित करी। तेणु आजिकार जो क्लास रही कौन डिस्कसन से विषय में चर्चा करवा आग को देखा कौन अच्छी क्लास में। ठीक अच्छे पिलाने पूर्व कही रखी जो पिला नुआ अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर दिखाँ। आपंकर मेन एक्जामेशन टोटाल प्रिपेरेसन मुझे करके देवी समस्त सब्जेक्ट वाइज चर्चा सिलेबस वाइज चर्चा रहा सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित आपर अपकमिंग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रही है तार मध्य चर्चा करवा। चलत बढ़िया आज का सेसन को लेकिन जी कौन अच्छी फास्ट आप देखा जमीक आम सिलेबस देखी इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट फ्री हैंड्स ड्राइंग ए समस्त चर्चा सही लाइन ड्राइंग्स एवं ज्योमेट्रिकल फिगर ड्राइंग्स लेटरिंग एंड नंबरिंग डायमेंशन एंड प्रैक्टिस टाइप ऑफ एरोहेड साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ए समस्त आपन को जोटा कि ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जाए। आजिकार आम क्लास ड्राइंग रही है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग ए समस्त विषय आज का चर्चा रहा है। ठीक अच्छे पाला आम प्रोजेक्शन जोटा कि पढ़ा ऑब्लिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ए समस्त विषय आज का चर्चा रहा चर्चा को आगे नहीं बढ़ जा। देखा फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आपंकर प्रथम क्वेश्चन आप क्वाड्रेंट विषय में ऑलरेडी पढ़ाई थी पूर्व क्लास में। पूर्व क्लास को देखिले आप भल भाव बुझीपारे क्लास समस्त कौन ना। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट है इन ह्विच पोजिशन आप थर्ड क्वाड्रेंटा कौ पोजिशन रही है ताको आम कौटा को फर्स्ट कौटा सेकेंड कौन थार्ड कही था आम जानवा दरकार कहीं या भितर गोटे निश्चित भाव में क्वेश्चन आसो। तेना मुझे गोटे क्वेश्चन देती बाकी से समस्त क्वेश्चन बुझेदेवी। तो आपंकर बिलो एचपी बिहाइंड भिफ्टी ठीक अच्छे पे आप जोटा कि हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन रे वर्टिकल प्लेन रोचे पचर आप कौन थाए जोटा कि थर्ड क्वाड्रेंट थाए केमिका फिगर देखो भल कि बुझीजे फिगर देखो आपंकर आसा फास्ट क्वाड्रेंट दिस इज द फास्ट क्वाड्रेंट कहला एभव एचपी ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन रहा हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर रहिबो एवं वर्टिकल लाइन रो साइड रोच इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल लाइन फ्रंट रोच वर्टिकल लाइन फास्ट क्वाड्रेंट आसीगला से भाई सेकेंड क्वाड्रेंट जब पचारे हॉरिजॉन्टल एभव रोच बिहाइंड वीपी ये आप वर्टिकल लाइन अच्छी वर्टिकल प्लेन अच्छी वर्टिकल प्लेन बिहाइंड पचर आपर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट से ही थर्ड क्वाड्रेंट आप देखिए जोटा कि ऑलरेडी कही रखिले थर्ड क्वाड्रेंट आप बिलो एचपी रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन तले वर्टिकल प्लेन बिहाइंड रही है। ठीक अच्छे बारे में सहित आपने फोर्थ क्वाड्रेंट आप देखी ना फोर्थ क्वाड्रेंट कौन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट कौन रही है बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन इन फ्रंट ऑफ जोटा कि वर्टिकल प्लेन ये समस्त आप जानवा दरकार जो कौ क्वाड्रेंट में कौन रही तार पोजिशन केमिका आउ सहित गोटे जिन आप पे देखिदेवे गोटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये रहीगल आप एक्स कोऑर्डिनेट आउ ये रहीगल आप वाई कोऑर्डिनेट मन रखिथे ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट ये जेड कोऑर्डिनेट से ही अनुसार आपको देखा गले आपर जदि प्लस माइनस रोटा कि नेगेटिव पॉजिटिव आउ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आउ सहित नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एमती क्वेश्चन आपसी आसो कौन जगह आप कौन वैल्यू पुट करेंगे। ठीक अच्छे पे आगे बढ़िया आजिकार क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कौन अच्छी परवर्त क्वेश्चन आप लाइन फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड आप प्रिंसिपल प्लेन रोटा कि दुटा इंटरसेक्शन हो जाए तो आम कौन कही था आम कही था रेफरेन्स लाइन मन रखिथे समस्त क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट रही है पे तो कौन भी क्वेश्चन को आपड करेंगे नहीं क्विट करूँ लास्ट पर्यटन सेसन को देखते इंपोर्टेंट सेसन आजिकार सेसन रहा है बिकज यहाँ हूँ आप प्रोजेक्शन उपर क्वेश्चन अच्छी तो प्रोजेक्शन उपर मैक्सीम क्वेश्चन आपको जोटा कि ईडी पचार। ठीक अच्छे पे प्रोजेक्शन और सिंबल ऊपर क्वेश्चन जोटा कि अधिक क्वेश्चन आसो। तो ये क्वेश्चन आप पचारा जे द नेगेटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन मेक्स एन एंगल विथ इच आइदर आपंकर कहला नेगेटिव हॉरिजॉन्टल प्लेन ता सहित आपंकर पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल जोटा कि आपंकर पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल आउ नेगेटिव हॉरिजॉन्टल। ठीक अच्छे पे ये दुई जन कते डिग्री एंगल करते आपंकर नेगेटिव कौटा हो गला प्रथम नेगेटिव देपर आप पॉजिटिव देला आप कोऑर्डिनेट डिसाइड करदे कहीदे ये आप प्लस आउ ये भी प्लस रहा। ठीक अच्छे पे ये आपंकर प्लस ये भी ये जो आपला माइनस ये आप प्लस तो ये जो आप क्वाड्रेंट रहा मैंने सेकंड क्वाड्रेंट दैट मीनस 180 डिग्री आप करुच्छे। ठीक अच्छे पे तो 180 डिग्री आप एनसर हो 180 डिग्री आप मन रखी दरकार कौ क्वाड्रेंटा कौ मतलब
कौ क्वाड्रेट रे कौन कौन वैल्यू रहुछि मुझे त कहली पॉजिटिव 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 नेगेटिव दैट इज शुड बी यू नो एंड एवर एवर दैट एटा आपन को नेगेटिव हो गला ये आपन को पॉजिटिव हो जइबो एठी नेगेटिव आउ नेगेटिव हो जइए ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट आबे जइबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छि देखियौ नेक्स्ट क्वेश्चन देला पिला माने इन फास्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन आपन को फास्ट एंगल प्रोजेक्शन ल तर ऑब्जेक्ट ता कोन था आपन को फास्ट क्वाड्रेंट रे आपन को फास्ट एंगल प्रोजेक्शन ल ऑब्जेक्ट मिलबो दैट मींस आपन मान करो एई क्वाड्रेंट ता ठीक अछि बोलने एटा होय फास्ट क्वाड्रेंट ता परटा होय सेकंड क्वाड्रेंट नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पुट देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन ले आपन देला इन फास्ट एंगल प्रोजेक्शन द पोजीशन ऑफ फ्रंट एंड टॉप व्यूअर्स आपन को फ्रंट व्यू आउट टॉप व्यू ता फास्ट एंगल प्रोजेक्शन ल आपन कोठी प्लॉटर कहताउ मे फ्रंट व्यू ता को कोन करथे लाइज एफ ऑफ द टॉप व्यू सिंपली टॉप व्यू रो ऊपर आपन मान करो जोटा कि फ्रंट व्यू थाए बी आप उच्च रही जो एनसर देखते आप फिगर देखने भले कि बुझीपारे जोटा कि टॉप व्यू टा हूँ फ्रंट व्यू रो तले रही आपंती जोटा कि फ्रंट व्यू टा टॉप व्यू रो ऊपर रही ठीक है पिला बेले तार फ्रंट व्यू रो साइड रे आपन को साइड व्यू रही ये रही गला आपन को जोटा कि फास्ट एंगल प्रोजेक्शन पोजिशन विषय चर्चा परवर्त क्वेश्चन बढ़ी जाओ परवर्त क्वेश्चन देखा कौन अच्छी इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन आपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आम ऑब्जेक्ट टा कौन थाए थर्ड क्वाड्रेंट रे थाए मने थे फास्ट एंगल फास्ट क्वाड्रेंट थर्ड एंगल आपन थर्ड क्वाड्रेंट रे ता सहित आपन पचारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पोजिशन इन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू अस आपन सेई भले क्वेश्चन पचारा जे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ले आपन टॉप व्यू एवं फ्रंट व्यू टा कौन जगह थाए टॉप व्यू टा आपन लाइज अबव द फ्रंट व्यू आपन को हे जीव टॉप व्यू टा फ्रंट व्यू रो अबव रो थाए किंतु आपन फास्ट एंगल कोन थिला फ्रंट व्यू रो अबव रे जोटा कि टॉप व्यू थिला उल्टा थिला तो देखो फिगर देखले भल कि मन रही जीव देखो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन ले आपन को जोटा कि एलिवेशन रहिला जे प्लान रहिला प्लान रो ऊपर होची फ्रंट व्यू रहिला ठीक अछि पिला माने आउ सेई भलिया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रो फ्रंट व्यू रो ऊपर होची टॉप व्यू प्लान मींस टॉप व्यू आपन को हे जीव ठीक अछि पिला माने तो सेई भलिया आपन को जोटा कि एनालिसिस करि परबे फास्ट एंगल प्रोजेक्शन ले केमती रहूची एवं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ले केमती रहूची एंड एलिवेशन दैट मींस साइड व्यू ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जीवा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन छि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग इज पब्लिशिंग बढ़िया क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन या को भलो के मन थिबे नोट्स भी टिकम पढ़े देबी निश्चित भाबे 1955 ले कोड ऑफ प्रैक्टिस को जोटा कि पब्लिश करा जायतला इंजीनियरिंग ड्रॉइंग जनरल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग रो जोटा कि कोड प्रैक्टिस टा को 1955 रे पब्लिश करा जायतला या को पब्लिश करतला ये द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन नाउ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जोटा कि हमें कहि दो प्रथम इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई थिला तापर जाको ब्यूरो बीआईएस स्टैंडर्ड्स को जोटा कि ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड हि गला जहा को यार वर्जन थिला आलियर वर्जन आईएस 696 जोटा कोड प्रैक्टिस फॉर जनरल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पब्लिश हितला 1955 ले तार रिवाइज हे कि आपन पब्लिश हला 1960 रे रेकमेंडेड करथले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जोटा कि सेही टाइम रे आपन 1960 रे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को जोटा कि से माने रेकमेंडेड करथले मने के दुए इंपोर्टेंट डेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी देखिवा आईएस 15021 पार्ट 2 2001 स्टैंड फॉर ए जो कोड आपन को देला ए कोड टा को कहा को आपन रिप्रेजेंट करछि यार होछि स्टैंडर्ड कोन होइबो ये रही जो आपन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मने के तिबे ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को ये आपन को जोटा कि रिप्रेजेंट करूछि ता सहित आउ कोन कोन अछि से गोटा को मते देखि दो जेमति का आपन को ऑर्थोग्राफिक आपन कहि देली 15021 पार्ट 2 2001 सेही भले आपन को 11065 पार्ट 2 1985 जोटा कि स्टैंडर्ड अछि डायमेट्रिक प्रोजेक्शन पई सेही भले आईएस 11065 पार्ट 1 1984 स्टैंडर्ड फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपन आइसोमेट्रिक आ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ल जोटा कि स्टैंडर्ड कोड को मय रखिथिबे कोड मध्य परीक्षा रे पचराइ थै परवर्त क्वेश्चन देला पिला माने आईएस 107 11201 आईएसओ 5457 1999 स्टैंडर्ड फॉर ए जो आपन को कोड टा रहिला ए स्टैंडर्ड कोड टा कहां पर रहइबो ये रहइबो आपन को सी आपन को उत्तर हिजो साइज एंड लेआउट ऑफ ड्रॉइंग शीट साइज आउ लेआउट ड्रॉइंग शीट रो लेआउट पर रहइबो ता सहित आउ कोन कोन कोड अछि से गुडा को मते देखि दियंतु देखंतु से भले आपन को 1979 कोड टा रहइबो स्टैंडर्ड फॉर स्केल्स आपन जो को रेशियो रे यूज करंती कोन कोन स्केल्स यूज करंती जोटा कि आपन को टेक्निकल ड्रॉइंग्स रे यूज हुए ता पर से कोड टा रहइबो 1979 से भले 1986 आपन को जोटा कि ड्रॉइंग प्रिंट्स फोल्डिंग ऑफ ड्रॉइंग पीड्स आपनकर फोल्डिंग ड्रॉइंग पीड्स को जमती ड्रॉइंग प्रिंट करिया पई चाहिले फोल्डिंग ड्रॉइंग पीड्स को ताहले तार कोड हिजो 1986 ए समस्त कोड उडा को मने रखे जेती पिला माने इंपोर्टेंट कोड उडा को चर्चा कर देले परवर्ती क्वेश्चन देला एक रेगुलर कोन इज रेस्टेड ऑन ए बेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन
द फ्रंट व्यू विल बी आपणकर गुटे रेगुलर कोन अछि रेगुलर कोन टा गुटे होछि हॉरिजॉन्टल प्लेन ले कोन होछि ना प्लेस कर जाय छि ताहाले तार जे कोन पचला फ्रंट व्यू जदि एही पटरु आपण देखु छथि ताहाले तार फ्रंट व्यू टा केमिति देखाउ छि गुटे ट्रायंगल भले देखाउ छि कोन प्रकार ट्रायंगल गुटे होछि आइसोसेलेस ट्रायंगल देखाउ छि मने केतिबे इम्पोर्टेंट रहिबो सी अनुसार आपण जदि एही भले क्वेश्चन आपणकर आसीबो याकु सॉल्व निजे ड्रा करि करिवे एवं सॉल्यूशन पाइ जिवे परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन ले कोन देला एन एग गोटे अंडा कौन है ना प्लेस कर गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन ले तार टॉप व्यू कौन रही है जब आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेस कर मानने डेस्क जमी अच्छी से भाई अच्छी ताल तार टॉप व्यू टा आपको कौन भाई देखा टॉप व्यू टा आपको सर्कल देखा ठीक अच्छे पाला मैंने अंडा टाक घूरी दिंतु जदि ताको आमे देखिबा ताले से सर्कल देखा जीवो ठीक अछि पले तार टॉप व्यू रे एकले ताको सर्कुलरली देखा जीवो परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा ए प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस गुटे प्लेट अछि तार बहुत कम थिकनेस अछि जोडके आपनको नेग्लेक्ट करिया कहा जाय छि ऑफ ए सर्कुलर शेप इज प्लेस्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इन फ्रंट व्यू विल बी आपनकर कहिला ए नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ सर्कुलर शेप जोडके गुटे प्लेट रहि छि किंतु सर्कुलर शेप रे रहि छि ठीक अछि पिला माने ओके एटी क्वेश्चन टिके भूल जाय छि फिगर रे आपन भूल जाय छि एटा आपन सर्कुलर शेप नै एटा गुटे ट्रायंगुलर शेप रहि छि सॉरी रेक्टेंगल शेप अछि तो ये गुटे सर्कुलर शेप रे आपन मानकर जोटा कि रहिबो कोनटा प्लेट रहिबो जहा को आपनकर थिकनेस बहुत कम रहि छि आउ आपन तार जदि फ्रंट व्यू देखुचंती फ्रंट व्यू मीन्स जो प्रकार एरर होइछि से पोटे देखुचंती ताहाले कोन देखा जइबो गुटे लाइन ही देखा जइबो आपनकर ए ही जो उत्तर गुटे ओनली लाइन देखा जइबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जइबा ये देखंतो आपनकर लाइन देखा जइबो एमति का ही लाइन देखा जइबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन अछि द एंगल बिटवीन द आइसोमेट्रिक एक्सिस इज आपनकर आइसोमेट्रिक एक्सिस रे जोटा कि एंगल थाय दुटा एक्सिस भितरे जो एंगल थाय तरे केते थाय आपनकर 120 डिग्री थाय एंगल ता सहित आइसोमेट्रिक विषय टिके चर्चा कर दबा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन गुटे प्रकार जो प्रोजेक्शन जोटा कि आपनकर तीनटा डायमेंशन को नेकी रिप्रेजेंट हेता जेंते सॉलिड रो तीनटा डायमेंशन हो गेला आपनकर हाइट हो गेला विड्थ हो गेला लेंथ हो गेला ठीक अछि पिला माने नॉट ओनली सन इन वन व्यू बट आल्सो देयर एक्चुअल साइज कैन बी मेजर डायरेक्टली इट फ्रॉम आपन मानकर इटा जति कोन ओनली आपन मानकर जोटा कि व्यू को दर्शायनी एथरे जोटा कि परफेक्ट साइज मध्य जगह पाइपर ठीक अच्छे पे या मेजर करके आप परफेक्ट साइज भी पाइपे जोटा कि आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जोटा कि सल्व हो पार आउ सहित सो इट इज निडेड देयर इज एक्जिस्ट इक्वल एंगल तेनाली तार कौन इक्वल एंगल आवश्यकता रही है तो बिटवीन द एक्सिस फॉर इजी मेजरमेंट सो 360 डिग्री बाय 3 जोटा कि 120 डिग्री सूचन तो 120 डिग्री या चूज कर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज आपन मानकर कहिला जोटा कि आइसोमेट्रिक लेंथ पर जोटा कि ट्रू लेंथ रो जोटा कि रेशियो पचला रेशियो केते हेबो यार रेशियो को मन रखिथिबे 0.85 सेई भले आपन क्वेश्चन आसीथाय आइसोमेट्रिक लेंथ रो जोटा कि आइसोमेट्रिक लेंथ टा सबुले जोटा कि ओरिजिनल लेंथ रु कम हेबो ठीक अछि पिला माने इटा भी मन रखिथिबे ओरिजिनल लेंथ टा सबुले अधिक होइथिबो ता सहित देला इफ वी रिप्रेजेंट ए क्यूब इन आइसोमेट्रिक व्यू द डायगोनल अपर फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द ट्रू लेंथ ऑफ द डायगोनल फॉर्म ये होची आपन को सॉल्यूशन केम दिया काढिबे तार सेटा गुटे फॉर्मुलेशन दे दिछि जिनते 1 / cos थीटा / 1 / cos 45 दैट इज इक्वल टू आइसोमेट्रिक / ट्रू जोटा कि ट्रू लेंथ आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ जोटा का वैल्यू होजो 0.85 सेटा आपन एटा होची स्टैंडर्ड मन रखिथि 0.85 नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला इफ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रन विथ ट्रू मेजरमेंट बट नॉट विथ आइसोमेट्रिक स्केल देन ड्रॉइंग इज आर कॉल्ड जदि आपण माने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तयारी करछंती ताको होले कोन छ ट्रू मेजरमेंट तर ओरिजिनल मेजरमेंट तयारी करछंती बट नॉट विथ द आइसोमेट्रिक स्केल आइसोमेट्रिक स्केल रो व्यवहार करना जोटे आम पूर्व चर्चा करें 0.815 तो तार स्केल व्यवहार करना से प्रकार ड्रॉइंग को आम कौन कही था से प्रकार ड्रॉइंग को आम आइसोमेट्रिक व्यू कही था परवर्त क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्त क्वेश्चन देला आइडेंटिफाई द क्वेश्चन यही क्वेश्चन आसी था पे मैंने इंपोर्टेंट रही है क्वेश्चन को आपड़ा निश्चित भाव मार्किंग कर दिखाँ आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ बिलो आइसोमेट्रिक व्यू आपको जो ये गोटे आपड़े फिगर देर आपर देता यही एरर जब आप ठिया देखुं तार आप आइसोमेट्रिक व्यूटा केमी देखा सिंपली आप आइसोमेट्रिक व्यू कौन भाई देखा आपने एज्यूम करते निश्चित भाव जानपरेंगे कौटा आपको एनसर हम निश्चित भाव में आपको एनसर जो ए हो देखा ठीक अच्छे पे जो जगह आपर होल अच्छे डॉट मार्क अच्छी ठीक अच्छे जोटा कि आपर हिडन लाइन सही डैश 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 हिडन लाइन रोज ठीक अच्छे पे तो ये समस्त देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी आपर इक्विलेटरल ट्रायंगल रो आइसोमेट्रिक व्यू कौन हो स्केलन ट्रायंगल हो मन लिखिथे इंपोर्टेंट रहिबो स्केलन ट्रायंगल बी आपको उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ रोम्बस रोम्बस रो आइसोमेट्रिक व्यू आपको कौन हम पैरेललोग्राम हो परवर्त क्वेश्चन परवर्त क्वेश्चन पचारा आइडेंटिफाई
identify the front view of the isometric view from the below given pyramid. ए पिरामिड को जदी एई जिगरु आपण देखु चंती ताहाले तार isometric view कोन होइबो तार front view ता आपण कोन होइबो से बिषय पछला तो तार front view ता कोनटा हाइजु आपण आंसर एटा जणातु निश्चित भाबरे मु कमेंट रे जणवा सुनि देखिबा को चाहिबि जे आंसर ता आपण समस्त ठीक आछु बोली परवर्ती क्वेश्चन बढिबा परवर्ती क्वेश्चन द फेसेस पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन आर हैविंग डैश साइज एंड शेप इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो आपण कहला जोटा कि पैरेलल प्रोजेक्शन ले जो प्रोजेक्शन ले प्लेन टा कोन हिजो ता साइज शेप टा पैरेलल हबो ऑब्लिक प्रोजेक्शन ले तो तार फेस ऑफ पैरेलल कोन हिजो से कोन हिजो आपण एक्चुअल हिबो एक्चुअल साइज रहिबो तार एक्चुअल साइज आपण कर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ले परवर्ती क्वेश्चन देला कोन देखिबा द इन ए कावालियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ई क्वेश्चन आपण को पछरे जाय छि ए कावालियर प्रोजेक्शन द रिसीडिंग लाइन्स आर ड्रोन आपण कावालियर प्रोजेक्शन ले रिसीडिंग लाइन गुडा को फुल साइज रे ड्रोन हिते सी जो उत्तर कावालियर प्रोजेक्शन होची गुचे पखरा वन टाइप ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन व्हिच द रिसीडिंग लाइन्स आर ड्रोन टू फुल साइज स्केल प्रोजेक्टर्स आर इनक्लाइंड एट 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन टा किंतु आपण मानकर क्वेश्चन पचराइतला पूर्व तेनु आपको इंक्लूडेड कर देली आपको भी मन रखियो थियो नेक्स्ट क्वेश्चन पचरीबा नेक्स्ट क्वेश्चन आउर हई ये थिला आपण मानकर टोटल जो डका ईडी रो डिस्कशन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सहित ऑब्लिक प्रोजेक्शन ता सहित आपण जोटा कि सिंपल समस्त आलोचना कली आशा करती सेशन समस्त को भल लागथिबो पुनी देखाबो नेक्स्ट क्लास रे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास ले तो सेति बजन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कइ जेंतु थैंक यू फॉर वाचिंग सेति बजन वीडियो को जदि देखु चंती निश्चित लाइक करिवे एवं शेयर करिवे एवं धन्यवाद बाय बाय।